कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, यही चैप्टर का नाम है। हालांकि आपको बताए हैं कि अलग अलग बुक में इसका नाम अलग अलग पाओगे, तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं आपने डेरिवेशन किया है, सारे सूत्र समझे हैं। लेकिन हमारी आदत है कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ाते रहते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र एक बार पूरा शुरू से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे जो है जो लोग ना भी आए हो क्लास में उनको सूत्र समझ में आ जाए तो सवाल लगा सको। तो देखिए जरा, बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले सूत्र है आवेश क्यू बराबर। यहाँ सभी लोग बायो और मैथ सारे बच्चे समझेंगे आवेश क्यू बराबर। फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकली बेस्ड है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है फर्स्ट पेपर में, और सवालें नहीं आती रहेंगी तो आप लगा रहे नंबर नहीं पाओगे फर्स्ट पेपर में। आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस, यानी ये पहला सूत्र है जिस पर आज हमने 10 सवालें बोली हैं केवल इसी एक सूत्र पर। तो आवेश की ज्ञात करने का सूत्र प्लस माइनस यानी होता है, जहाँ क्यू मतलब आवेश की मात्रा। अगर आवेश दिया रहेगा तो उसको क्यू के बराबर करके लिखना। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जितने आए या जाएं, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो चिन्ह माइनस लगाना, और इलेक्ट्रॉन चले गए हो या कम हो गए हो तो चिन्ह प्लस लगाना, ठीक है। और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6×10⁻¹ होती है। दूसरा सूत्र बेटा, आप जानिए कि किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। वैद्युतशीलता के संदर्भ में सूत्र है, इस पर एक सवाल आपकी बुक में है। उसके बाद बेटा, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4πε₀ के Q1Q2/r2। इस सूत्र को हमने पढ़ाया है इस लेसन में। कूलाम बल या दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इस पर कम से कम 20 सवाल पाओगे इस सूत्र पर, घुमा फिरा के बहुत टेक्निकल बना है। उसके बाद बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है आपने, F/Q पढ़ा है, और पढ़ा है 1/4πε₀ Q/r2। ये किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद आपने सूत्र पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। क्या क्या? सबसे पहले आपने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा है, और हमने सूत्र बताया है P=Q×2L। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा है, और जिसमें अच्छी स्थिति में, और आपने पढ़ा है E=1/4πε₀ K2P/r2। यही पढ़ा है। निरक्षी स्थिति में जब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो आपने पढ़ा है E=1/4πε₀ K P/r2। और बच्चों, विशेष स्थिति पर न्यूमेरिकल नहीं है ना आता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ा है,
बल युग्म का आघूर्ण, जिसका डेरिवेशन कल की क्लास में किए थे, और वो सूत्र था, याद करिए, ताओ बराबर पीटी साइन थीटा। प्यारे साथियों, कुल इतने ही सूत्र इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगे, या इस चैप्टर में इतने ही सूत्रों का दर्शन मिलेगा। अब यहाँ पर जो है, जहाँ ध्यान से देखिए, क्यू का मतलब है आवेश, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, समृद्धि सब समझा दे रहे हैं। एन का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आने जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रहे, 1.6 × 10⁻¹ कूलम, 1/4πε₀ के जहां लिखा रहे, इसकी वैल्यू 9×10⁻¹। प्यारे बच्चों, एप्साइलन का मतलब है निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्साइलन नाट का मतलब है निर्वात में वैद्युतशीलता। सारी चीजों का मतलब आपने देख लिया और समझ भी लिया कौन चीज क्या है। कुछ और चीज जानते रहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर मान लीजिए किसी सवाल में जरूरत पड़े तो आप 9×10⁻³ जानते रहिएगा, लिखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर जरूरत पड़े, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67×10⁻²। अल्फा कण का द्रव्यमान, मास ऑफ अल्फा कण 6.67×10⁻², जानते रहिएगा। अल्फा कण पर आवेश क्यू फॉर अल्फा 3.2×10⁻¹ कूलम, क्यू फॉर प्रोटॉन 1.6×10⁻¹ कूलम। तो बच्चों, चैप्टर में जहां जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमने एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, समझ में आ जाना चाहिए। आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस एन, क्यू मतलब आवेश, एन मतलब आने या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका मान ये रखोगे। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र F बराबर 1/4πε₀ Q₁ Q₂ √R² और इस कांस्टेंट की वैल्यू 9×10⁻¹। एप्सिलॉन का मतलब निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता, और जो निर्वात में वैद्युतशीलता है इसका मान भी याद रखिए 8.85×10⁻¹² कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी जहां रख देंगे अंशिका जी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हो 9×10⁻¹। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67×10⁻², और अल्फा कण या हीलियम नाभिक का द्रव्यमान 6.67×10⁻¹। अल्फा कण का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सबका आवेश भी लिख दिए हैं। इतने ही सूत्र इस अभ्यास में हैं, लेकिन कहीं वेक्टर एनालिसिस लगेगी तो वहाँ थोड़ा सूत्र कठिन हो जाएंगे, कहीं कुछ सवाल में टेक्निकलिटी कह देगी तो वहाँ सूत्र कठिन हो जाएंगे।